Hello everyone, welcome to Gate Academy and An Academy. This is an information video, not a distraction. मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रिसेंट कुछ दिनों से कुछ टेक्स्ट और कुछ मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, और वो मैसेजेस रिगार्डिंग एमटेक है कि क्या हम बिना गेट के वैलिड गेट स्कोर कार्ड के भी आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं. एक इन्फॉर्मेशन आपको जाना जरूरी था, तो मैंने इस वीडियो के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को सभी स्टूडेंट से शेयर करने का सोचा. वीडियो के एंड में जो इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ उसको जरूर से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि जो प्रिपरेशन हम गेट 2023 के लिए कर रहे हैं उसको हमको कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे हम किसी भी तरीके से एमटेक करने का सोच रहे हैं. ठीक है, सो दिस वीडियो बिलोंग्स टू एमटेक इन आईआईटी विदाउट गेट स्कोर. अगर हमारे पास गेट स्कोर नहीं है, लो गेट स्कोर है, जहां हम गेट की एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, मिनिमम कट ऑफ भी क्रैक नहीं हुआ, या फिर हमारा गेट स्कोर उतना नहीं था कि हम आईआईटी से एमटेक कर पाए, तो क्या प्रोसीजर होगा आईआईटी से एमटेक करने का. सो यहाँ पे मैं आपको दो तरीका बताता हूँ. एक है आपके पास गवर्नमेंट लैब इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स, तो इसको आप इस तरीके से देखिए, नजरिया ऐसा होना चाहिए कि दिस इज एन इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स एंड दिस इज सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स. आप सेल्फ मतलब समझते हैं ना, खुद अपने आप को स्पॉन्सरशिप देना, और कोई इंडस्ट्री आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है जिसके वजह से आप आईआईटी में जाके एमटेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको गेट क्रैक करने की जरूरत नहीं है. तो अगर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है तो दिस कैंडिडेट शुड हैव फर्स्ट क्लास बीटेक विद ए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक इंडस्ट्री और एनी गवर्नमेंट रिसर्च लैब. तो आप या तो प्राइवेट या तो पब्लिक, कहीं से भी एक एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, और वो एक्सपीरियंस जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, है ना. ऐसा नहीं कि हम इंजीनियर्स हम तो कुछ भी जुगाड़ सकते हैं, फेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी बार जब वो एक्सपीरियंस मांगते हैं तो उसके साथ एक टेम्पलेट भी वो आपको शेयर करने बोलते हैं. उस टेम्पलेट में वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो ये पता करने के लिए काफी होती है कि आपको जो एक्सपीरियंस है वो ओरिजिनल है कि फेक है. आईआईटी मद्रास के टेम्पलेट में भी आप देख सकते हैं. एक टेम्पलेट में भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, उस टेम्पलेट को लेकर आके एक बार रीड कर लेना, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या नीड है अगर आप इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है. तो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड मतलब कोई भी इंडस्ट्री, एकदम सीधे साधे लैंग्वेज में मैं बता दूं कि कोई भी इंडस्ट्री जो ये चाहता है कि आप एमटेक कर लो, और एमटेक करने के बाद आप आके उसी इंडस्ट्री में काम करो, और जब एमटेक में आप प्रोजेक्ट परस्यू कर रहे हैं, जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप उसी इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाओ ताकि उस इंडस्ट्री को उस प्रोजेक्ट से लाभ हो सके. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको TCS ये स्पॉन्सर्ड कर देता है कि आप जाके एमटेक करके आओ IIT कानपुर से, तो TCS यही चाहेगा ना कि आप जब एमटेक करके आओ तो 5 साल तक TCS को सर्व करो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. या फिर आप जब फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप TCS के ही बेनिफिट के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाओ, तब जाके TCS आपको स्पॉन्सरशिप देगा. तो ये वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड करता है कैंडिडेट्स को, ताकि इंडस्ट्री को भी उस कैंडिडेट के नॉलेज का कुछ बेनिफिट मिल पाए. तो ये इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड ये कैंडिडेट्स होते हैं. इसमें एक खास बात ये होती है कि आपको जो भी फीस पे करना है, दे विल पे ये ट्यूशन फी ऑफ ₹30,000 पर सेमेस्टर, ये मैंने पढ़ा अभी, तो ये जो फीस पे करना है ये आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इंडस्ट्री खुद ही पे करता है. और आपको 2 साल 3 साल जितने भी साल का आपका एमटेक या फिर एमएस है, उस ड्यूरेशन में आपको जो मंथली जो आपकी सैलरी है वो सैलरी कंटिन्यूसली आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप जो है अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सके और इधर उधर की बातें कुछ भी ना सोचे, और पूरी पढ़ाई करने के बाद आप उस पर्टिकुलर कंपनी को सर्व करें, और उस सर्विस का बॉन्ड पहले से तैयार हो जाता है कि 4 साल 5 साल कितने भी साल, वो डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री का क्या करिकुलम वो अपने आपके लिए सेट करते हैं. तो ये हो गया आपको कि आपको फीस तो देनी पड़ती है, लेकिन फीस आपकी जेब से नहीं जाएगा, जिस इंडस्ट्री में आप है, जिस गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, वो आपकी फीस को पे करेगा, वो आपका एमटेक कराएगा, वो आपसे सर्विस डिमांड करेगा. जब आप एमटेक कर रहे हैं तब बीइंग एन स्टूडेंट आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड कीजिए. जब आप एमटेक खत्म कर चुके हैं, आपको एमटेक की डिग्री मिल गई है, तो उसके बाद जितने भी साल का बॉन्ड आपने साइन किया है कि मुझे एमटेक करा दो, मैं आपके कंपनी को सर्विस करूंगा,
तो जितने भी साल का बॉन्ड आपने साइन किया है उतने साल तक आपको उस कंपनी के लिए सर्व करना पड़ता, अगर नहीं तो आपको वो बॉन्ड अमाउंट जो होता है उस अमाउंट को पे करना पड़ेगा। सो दे विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन ए रिटन टेस्ट एंड एन इंटरव्यू। तो ये सिलेक्शन किसके लिए, ये सिलेक्शन एमटेक के लिए, कि जब आप एमटेक के लिए आपको सेलेक्ट किया जाता है तो उस समय आपका एक रिटन टेस्ट और एक इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आपने उस रिटन टेस्ट इंटरव्यू को क्रैक कर लिया तो आपका सिलेक्शन इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट के रूप में हो जाता है। दे विल नॉट रिसीव एनी स्कॉलरशिप। तो आपको ये पता है कि 12,500 का जो स्टाइफन जो पर स्टूडेंट्स पर मंथ के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाता है एमटेक के दौरान, वो आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि आप कंपनी की सैलरी को रिसीव कर रहे हो उस ड्यूरेशन में भी। तो इन जनरल पहले से ही एमटेक जो जो भी आपकी आईआईटीज एमटेक आपको प्रोवाइड करती है इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड के रूप में, वो एक टेम्पलेट आपसे साइन कराती है, उसमें ये भी लिखा रहता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको पर मंथ कितना वीकेंसी सैलरी प्रोवाइड कर रहा है, उस टेम्पलेट में सारा कुछ लिखा होता है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु हैव ए वर्किंग एक्सपीरियंस मोर देन 3 इयर्स। तो अलग अलग आईआईटीज का अलग अलग वीकेंसी शर्तें होती है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री से गुजर के आ रहे, किस इंडस्ट्री आपको ये इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड सीट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एमटेक कर सकते। दूसरा कि आप अपने आप को स्पॉन्सर्ड कर दें, ये एक अलग प्रोसीजर है जिसमें सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, लेकिन इसकी फीस थोड़ी अलग होती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दिस कैंडिडेट्स, यहाँ पे भी आपको गेट के स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको जरूरत पड़ता है दिस स्टूडेंट शुड हैव फर्स्ट क्लास बीटेक डिग्री। पहला चीज ये है कि फर्स्ट क्लास बीटेक डिग्री होना चाहिए एंड विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पे भी आपको एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ता है जो गेट के एग्जाम से अलग होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो गेट लेवल का टफ नहीं होता, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि आप उस सीट को ग्रैब कर सके, है ना। तो दे विल पे ए ट्यूशन फीस ऑफ 20,000 पर क्रेडिट फॉर 48 क्रेडिट इन 24 मंथ्स। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे कि आपको एक क्रेडिट के लिए 20,000 रुपीज देना पड़ता है। तो अगर आप 24 मंथ 2 साल का एमटेक कर रहे हैं तो टोटल 48 क्रेडिट्स होते हैं जिसको आपको परस्यू करना पड़ता है, और पर क्रेडिट के लिए आपको 20,000 देना पड़ता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 9,60,000 के आसपास आएगा। मतलब आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फीस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरा है द एडमिशन फी ऑफ ₹1,00,000 विल बी एब्सॉर्ब इन द ट्यूशन फी, दे विल नॉट रिसीव एनी स्कॉलरशिप। तो आपको जैसे यहाँ पे ट्यूशन फीस मात्र 30,000 देनी पड़ रही है, तो यहाँ पे 1,00,000 ट्यूशन फीस देना पड़ रहा है। तो टोटल अगर आप 9,60,000 प्लस 1,00,000 मिलाएंगे तो ये लगभग 11 से 12 लाख के आसपास आता है किसी भी इंस्टीट्यूट का जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट आईआईटी प्रोवाइड करता है उसके लिए। अगर ये प्रोवाइड किया जा रहा है तो डेफिनेटली इसका एक मीनिंग भी है कि आपको उन स्टूडेंट्स के साथ बैठने को मिल रहा है जो बहुत ही टॉपर्स होंगे आईआईटी के, जो गेट का एग्जाम दिए होंगे। और आपका जब कैंपस इंटरव्यू होगा तो आपको कहीं से भी आइसोलेट नहीं किया जाता कि आप इस कैंपस में नहीं बैठ सकते, बल्कि इनके लिए और, क्योंकि आपने जो पे किया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्ट किया है 12 लाख रुपए, ये इंस्टीट्यूट्स का भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उसके इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ रिटर्न प्रोवाइड कर दे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ जॉब। तो जो आपने 12 लाख रुपए यहाँ पे दिया है 48 क्रेडिट्स के लिए, तो वो 12 लाख रुपए आपको आपका इन्वेस्टमेंट है समझिए, और वो इन द फॉर्म ऑफ जॉब आपको रिटर्न हो जाएगा जब मंथली आपको 4 से 5 लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब मिलेगी। तो विद इन 6 मंथ आपके जॉब लेने के, विद इन 6 मंथ जो है ये जो अमाउंट आपने पे किया है ये रिटर्न हो जाता है। और इनका प्लेसमेंट जो है वो 100% है, इनका प्लेसमेंट होता ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो एक बात और कि जो आपके पास 12,500 रुपये जो पर कैंडिडेट्स जो गेट के वैलिड स्कोर कार्ड से एडमिशन लेते हैं उनको जो प्रोवाइड किया जा रहा था, यहाँ पे आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आपसे जो पैसा लिया जाएगा उस पैसे के रिटर्न के रूप में आपको एक अच्छा सा कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप उसको ग्रैब करके जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है आईआईटीज में वो आप अपने लिए, अपने खुद के लिए वो पैसा आप अपने आप के लिए रख सके। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा आईआईटीज को, आप अपने लिए रखें क्योंकि वो आपकी सैलरी है, राइट। तो ये कुछ डिफरेंस है
इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड मतलब इंडस्ट्री आपको स्पॉन्सर्ड करेगी, जहाँ पे का भी एक्सपीरियंस आपने लिया है, जहाँ पे भी आप अभी कार्यरत हैं, अभी वर्किंग हैं, वो आपको खुद बोलेगा कि जाओ भैया एमटेक करके आ जाओ, और एमटेक करने के बाद हमें सर्विस प्रोवाइड करना, हमारे लिए प्रोजेक्ट बनाना जब एमटेक का प्रोजेक्ट बनाओगे तो। और यहाँ पे कैंडिडेट्स को खुद से अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर्ड करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा पैसा उनको लगता है, लेकिन ये पैसा उनका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये रिटर्न हो जाता है जब आप एक अच्छा जॉब ग्रैब करते हैं। और आपको कहीं भी आइसोलेट नहीं किया जाता, आपको उन कैंडिडेट्स के साथ ही सारा कुछ, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जो एक टॉपर स्टूडेंट्स उस आईआईटी में एडमिशन लिया होगा, जो गेट में टॉप किया होगा, राइट। सो इनकी सीट्स लिमिटेड होती है, हर आईआईटीज में इनकी सीट्स लगभग होती है, लगभग सभी आईआईटीज में। मैं आपको बताऊंगा कि प्रमुख आईआईटीज कौन सा है, इसके बाद आप अगर डिमांड करेंगे तो मैं उस आईआईटी का वीडियो भी डिटेल में बना दूंगा, क्योंकि एक अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ एक ही वीडियो में कवर किया जाए। तो कमेंट आपका मैं चाहूँगा कि आपको किस आईआईटी के बारे में, सेल्फ स्पॉन्सर्ड या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड सीट के बारे में जानने की इच्छा है, राइट। तो यहाँ पे आपको डिटेल में मैंने बता दिया। देखिए आईआईटीज ऑफरिंग एमटेक विदाउट गेट, कौन कौन से आईआईटीज ऑफर करते हैं विदाउट गेट, तो आईआईटी मद्रास है, इनका जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड या फिर इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड सीट्स कि अवेलेबिलिटी आपको पता चल जाएगा लगभग मार्च 15 में आता है, और आपको एक महीने का समय दिया जाता है इसको फिलअप करने का। तो गेट के एग्जाम के रिजल्ट के बाद इसका फॉर्म आ जाता है। आईआईटी गांधीनगर का तो पहले ही आ जाता है, ये अर्ली एडमिशन लेता है आईआईटी गांधीनगर। और इसी प्रकार आईआईटी हैदराबाद के लिए बात करें तो ये तो इंडिया में टॉप मोस्ट लेवल पे आता है, जहाँ पे सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट के कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटी बेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और आईआईटी हैदराबाद के बारे में अभी मैं आपको बताऊं कि रीसेंट ट्रेंड्स में जो एमटेक है वो यही प्रोवाइड कर रहा है, और ये बहुत जल्दी अपने जो एकेडमिक जो इस आईआईटी का जो एकेडमिक एरिया है उसमें बहुत जल्दी इसने ग्रोथ कर लिया है, तो ये बहुत ही टॉप का आईआईटीज में बहुत जल्द आने वाला है। उसके अलावा आईआईटी गोवा है, ये सभी वो इंस्टीट्यूट्स है, और भी काफ़ी सारे लिस्ट है, लेकिन मैं अभी सारे के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आईआईटीज ऑफरिंग एमटेक विदाउट गेट, कौन कौन से आईआईटीज एमटेक प्रोवाइड करते हैं विदाउट गेट का, तो मैं यही बात कर रहा था। अगर आप डिमांड करेंगे किसी एक आईआईटी का कमेंट बॉक्स में, तो मैं इस आईआईटी के पूरे डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन से सीट्स वो अवेलेबल करवाते हैं स्पॉन्सर्ड, सेल्फ स्पॉन्सर्ड और इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड में, और क्या प्रोसीजर होता है, लास्ट ईयर उनका डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या था, कितने किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी का बारे में आई विल टेल यू द थिंग्स। इसके सारे बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड सीट में आपको एमटेक में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं बिना गेट स्कोर कार्ड के। तो एक छोटा सा डिटेल मैं आईआईटी दिल्ली का निकाल के लाया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड में थोड़ा सा डाउट रहता है। अगर आपको यहाँ पे डिटेल में चीज़ें दिख रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एलिब्रेट करके दिखाता हूँ। आईआईटी दिल्ली के वेबसाइट से ये एग्जांपल है, द ओनली कैंडिडेट्स ऑफर्ड एडमिशन इन द स्पॉन्सर्ड कैटेगरी आर। तो ये इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपने डीआरडीओ में ऑलरेडी आपका सिलेक्शन हो गया है आरएनटी स्कीम में, तो आप एमटेक कर सकते हैं इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड के रूप में। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड बता रहा हूँ, ये आईआईटी दिल्ली का है, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल सेलेक्टेड अंडर द पीजीटी स्कीम। तो ये दूसरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एमटेक कर सकते हैं। ये सभी इंडस्ट्री है, ये आर्मी से स्पॉन्सर्ड है, ये डीआरडीओ से स्पॉन्सर्ड है। कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अंडर EFIP। EFIP क्या है? अर्ली फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। तो आपको एमटेक करने की अपॉर्चुनिटी उनको भी दी जाती है जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपके इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी पढ़ाते हैं, जो टीच करते हैं, वो उनका आपका इंस्टीट्यूट यहीं से एफिलिएटेड होता है। जो फैकल्टी वहाँ पढ़ाते हैं, कई बार जो आपका इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो फैकल्टी को इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू आईआईटी से एमटेक का जो प्रोसेस है वो प्रोवाइड कराता है या एमटेक में एडमिशन करवाता है। तो उसके थ्रू भी एमटेक किया जा सकता है। चौथा है फैकल्टी एट द इंजीनियरिंग कॉलेजेस सेलेक्टेड अंडर क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, इसके थ्रू भी आप एमटेक कर सकते हैं। तो ये AICTE से स्पॉन्सर्ड होता है और ये इंजीनियरिंग कॉलेज से स्पॉन्सर्ड होता है। आपका इंजीनियरिंग कॉलेज AICTE से एफिलिएटेड होता है, ठीक है। दिस आर द थिंग्स डेट हैज टू बी अंडरस्टूड।
तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये चार तरीका है जिससे आप एमटेक कर सकते हैं। तो काफी लोग ये सोच रहे होंगे, इसमें पार्ट टाइम फुल टाइम भी होता है, तो काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना आसान प्रोसीजर है तो क्यों ना हम भी गेट की तैयारी छोड़ के इसकी तैयारी करें। तो मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, एक मैसेज छोड़ रहा हूँ, ट्राई टू फोकस ऑन योर गेट प्रिपरेशन। कारण ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप एमटेक में एडमिशन ले लो और एमटेक करने चले जाओ तो आप एमटेक फुलफिल करके आ गए। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एमटेक करने जाते हैं लेकिन वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाते, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उसके लिए आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एमटेक इतना आसान नहीं होता और कंपटीशन मार्केट में तो और भी आसान नहीं होता। तो आपका वहां सर्वाइवल भी इंपॉर्टेंट है कि 2 साल आप वहां सर्वाइव कर सको। तो बिना नॉलेज के सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए मैसेज है, ट्राई टू फोकस ऑन योर गेट प्रिपरेशन। आपके गेट प्रिपरेशन पे आप फोकस करते रहिए, बने रहिए उसमें, उससे आप थोड़ा भी डिविएट ना हो। रियल बैटल इज नॉट गेट एन आईआईटी एडमिशन, इट स्टार्ट्स विथ योर सर्वाइवल इन आईआईटी, राइट? डोंट अफ्रेड फ्रॉम योर फर्स्ट स्टेप इफ यू अर्ली रियली वॉन्ट एन आईआईटी। अगर आपको आईआईटी चाहिए तो आप कभी भी एक फर्स्ट स्टेप लेना मत छोड़िए। वो फर्स्ट स्टेप्स क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, शॉर्टकट्स मेक योर ड्रीम शॉर्ट। अगर आप शॉर्टकट के थ्रू जाएंगे तो आपका ड्रीम भी छोटा हो जाएगा। सो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा और बड़े को ग्रैब करने के लिए आपको बड़ा काम भी करना पड़ेगा। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड आई थिंक दैट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टू से। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, सेल्फ स्पॉन्सर्ड सब कुछ है लेकिन आपके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, बाकी जो भी कुछ आपको नीड पड़ेगी वो समय समय पे गेट एकेडमी से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे लिंक्स हैं, आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट स्टेप दे सकते हैं बाय बाय सब्सक्राइबिंग ऑन द कोर्सेस दैट इज अवेलेबल ऑन अन अकेडमी पोर्टल। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।